हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम चैप्टर 9 का एग्जांपल नंबर 1 करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ इन एग्जांपल 1, ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम एंड ई एफ सी डी, ई एफ सी डी इज़ अ रेक्टेंगल। आल्सो ए एल परपेंडिकुलर ऑन डी सी, प्रूव दैट एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ई एफ सी डी। सबसे पहले हमें गिवन लिखना है, ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम एंड ई एफ सी डी इज़ अ रेक्टेंगल एंड ए एल परपेंडिकुलर ऑन डी सी गिवन है। प्रूव एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ई एफ सी डी, इतना आप कर लेंगे। उसके बाद देखिए, जो ए बी सी डी है ये एक पैरेललोग्राम है एंड ई एफ सी डी हमें एक रेक्टेंगल गिवन है। रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, यस, और पैरेलल भी कह सकते हैं हम उसको। अब देखिए, इसमें हमें प्रूव करना है एरिया इन दोनों का इक्वल है। सबसे पहले हम लिखेंगे ई एफ सी डी, जो कि रेक्टेंगल है, इज़ आल्सो कॉल्ड पैरेललोग्राम। ई एफ सी डी इज़ अ रेक्टेंगल विच वी कैन से इज अ पैरेललोग्राम। हम इसको पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं, यस। तो अब ये दो पैरेललोग्राम्स हो गई। अब हमें क्या याद करनी है, थ्योरम 9.1। उसमें क्या गिवन था, इफ टू फिगर्स हैव सेम बेस एंड पैरेलल्स इन बिटवीन, और वो जो फिगर हैं बिटवीन टू पैरेलल्स हैं, तो वो हमारी क्या हो जाएंगी, उनके एरियाज दोनों फिगर्स के इक्वल होंगे। तो अब इसमें जो हमारी ई एफ सी डी फिगर है, इसमें हमारा सी डी बेस है, ए बी सी डी में भी बेस सी डी है, एक बात। दूसरी हमें पैरेलल्स देखने हैं, इसमें पैरेलल क्या है, सी डी ई बी। इन सी डी ई बी के बीच में ही दोनों फिगर लाई कर रही हैं, यस। कैसे, ए बी सी डी में ई बी के अंदर ही ए बी आ रहा है, यस। अगर हम ई एफ सी डी पैरेललोग्राम को लेते हैं तो ये भी ई बी के बीच में ही आ रहा है, यस। तो हम ये थ्योरम यहाँ पे पूरी सेटिस्फाई करते हैं इस इक्वेशन को। तो हम लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू थ्योरम 9.1, पैरेललोग्राम्स on the same side, parallelogram on the same side, sorry, same base and between the same parallels are equal areas. तो हमने लिख लिया parallelogram on the same base and between the same parallels are equal in area. क्या मतलब हुआ, वो parallelograms जिनका base same हो और दोनों क्या कर रही हूँ, बिटवीन द सेम पैरेलल्स आ रही हैं दोनों फिगर्स, तो उनका जो एरिया होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस फिगर के अकॉर्डिंग ये जो इसमें जो पैरेलोग्राम्स हैं और जो बेस हैं वो डिफाइन कर देंगे हम। तो हम लिखेंगे देयरफॉर इन दिस क्वेश्चन बोथ पैरेलोग्राम्स have same base. कौन सा base है इसमें, same base है जो कि सी डी है, clear, and between the same parallels ई बी एंड सी डी, सी डी सेम बेस है और पैरल होगी ई बी एंड सी डी, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, सो वी कैन से एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ई एफ सी डी, ठीक है। ये हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव,
तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट जो है फिनिश होता है। तो अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू डी सी इंटू ए एल। एरिया ऑफ ए बी सी डी किसके इक्वल है? डी सी इंटू ए एल। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमें क्या पता है इसमें कि ए बी सी डी जो है वो एक पैरेललोग्राम है। तो हमें पैरेललोग्राम का एरिया का डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए कि इसका रूल क्या है। तो लिखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू लेंथ इनटू हाइट। क्लियर, ये होता है फॉर्मूला। अब देखिए, अब ए बी सी डी ये हमें प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे? ए बी सी डी देखिए, इसमें हमारा जो ये रेक्टेंगल, सॉरी ए बी सी डी में जो हमारा ये बन रहा है, ये हमने जो परपेंडिकुलर लिया सी एफ, ये एक हाइट की तरह यूज़ हो रहा है इसमें। तो हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ क्या होगी हमारी ए बी सी डी में? डी सी इंटू में हाइट क्या होगी? सी एफ, क्योंकि सी पॉइंट इसमें कंक्लूड हो रहा है, तो सी से जो हाइट जा रही है उसे लेंगे। ठीक है, अभी हम ए एल को नहीं लेंगे क्योंकि ए एल हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हम लेंगे डी सी इंटू सी एफ। तो लिखेंगे दिस इम्प्लाइज एरिया एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू लेंथ इंटू हाइट। लेंथ है हमारी डी सी एंड सी एफ हो जाएगी हमारी हाइट, डी सी इंटू सी एफ। अब देखिए हमें गिवन क्या है, साथ में ए एल परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर, ये हमें गिवन है। तो इसकी वजह से हमने क्या कह दिया था कि ए एफ सी एल एक रेक्टेंगल बन जाएगी अगर ये एक परपेंडिकुलर है, हमें गिवन है। तो ये एक पूरी रेक्टेंगल बनती है, तो इट मीन्स ए एल इक्वल टू सी एफ हो जाएगा। यस, नाउ ए एल परपेंडिकुलर टू सी डी, दिस इज गिवन है, एंड ए एफ सी एल इज अ रेक्टेंगल। वी कैन से दैट वाई, बिकॉज ए एल इज परपेंडिकुलर ऑन डी सी, सो वी कैन से ए एफ सी एल इज अ रेक्टेंगल। सो इफ दिस इज अ रेक्टेंगल देन वी कैन से ए एल इक्वल टू एफ सी, ए एल इक्वल टू एफ सी। देयरफॉर एरिया ऑफ ए बी सी डी डी सी इंटू, हमें प्रूव क्या करना है? ए एल। तो ए एल इक्वल टू एफ सी हमने लिख दिया, तो हम सी एफ पहले लिख चुके हैं, सी एफ हो या एफ सी एक ही बात है। तो हमें इस सी एफ की जगह प्रूव करने के लिए ए एल चाहिए, और हमने यहाँ प्रूव किया है कि ए एल इक्वल टू सी एफ है, तो हम यहाँ पे ए एल लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज ए एल इक्वल टू एफ सी, बस यही हमें प्रूव करना था, बस लिख देंगे हैंस प्रूव। तो ये दोनों पार्ट थे एग्जाम्पल नंबर वन के। होप ये दोनों आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।